आप लोगों के लिए बालों के लिए। बालों पे मैंने इसे अप्लाई किया है और अभी मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं, बिल्कुल गीले हैं, कोई कॉम्बिंग नहीं की है। लेकिन बालों में ना टच भी करती हूँ, बहुत स्मूथनेस फील हो रही है, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा बालों का टेक्सचर लग रहा है। तो आप लोग भी इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपके बाल सफेद हैं तब भी इसे ट्राई कीजिए। अगर बाल सफेद नहीं है, बाल बहुत रफ है, बहुत ड्राई है, फ्रीजी है, बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तब भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। ये टीनेजर के लिए भी बहुत सुपर सुपर से भी ऊपर वाला वीडियो है। नुस्खा बहुत ही जबरदस्त है और बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की बहुत सारी बर्थडे विशेस मिली है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईमेल्स भी आई है आप लोगों के, मैसेज, आप लोगों के कमेंट, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेती हूं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बालों को जड़ों से काला करने के लिए मैं एक पैन को गैस के ऊपर रखूंगी बहुत ही हल्की आंच पर, और उसमें एक बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ ब्रह्मी का, जो बालों को जड़ों से काला करती है, बालों की एक एक जड़ को मजबूत बनाती है। अगर रूट्स मजबूत होंगी तो बाल झड़ेंगे नहीं, और रूट्स में ऐसा काम करती है कि जब भी बाल जड़ों में से निकलते हैं ना तो वो काले निकलते हैं, तो बालों में बहुत अच्छा काम करती है। तो एक बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है ब्रह्मी का, और अब मैं इसके अंदर एक चम्मच डाल रही हूँ वही एक बड़ा एक चम्मच इंडिगो पाउडर का। ये भी मैं एल्पस गुडनेस का यूज़ कर रही हूँ। इंडिगो पाउडर बालों को काला करने में, बालों को ताकत देने में बहुत हेल्प करता है, बालों को जितना भी स्कैल्प है उसे क्लीन करता है, बालों को जड़ों से काला करने में हेल्प करता है। अब एक चम्मच मैं इसके अंदर आंवला पाउडर डाल रही हूँ। आंवला पाउडर बालों को काला करता है, बालों को हेल्दी बनाता है और बालों में बाउंस भरता है। तो आंवला पाउडर एक बड़ा चम्मच। अब गैस को मैंने कर लिया है ऑन, और धीमी आंच पर मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है। अभी आप इसका रंग चेक कर सकते हैं, इसके रंग का कलर क्या है। अब धीमी आंच पर मैं इसे धीरे धीरे करके पकाऊंगी और हिलाती रहूंगी ताकि इस पाउडर का रंग जो है वो चेंज हो जाए। मैं अच्छी तरह से, डोंट वरी, अगर धुआं निकल रहा है तो घबराइएगा मत कि आपकी रेमेडी ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। हमने इस धीमी आंच से इस रेमेडी को पकाना है, बल्कि हमारी जड़ों को काला करें। तो हमने इसके अंदर से ऐसी चीज़ बाहर निकालनी है जो बालों को काला करने में मदद करती है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाने के बाद इस पाउडर का रंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमने इसके रंग को चेंज करना है। थोड़ी देर में पकाने के बाद इसका रंग बिल्कुल चेंज, अभी दोस्तों आप इसके रंग को देख सकते हैं, ये बिल्कुल काले रंग में कन्वर्ट हुई है, बिल्कुल ब्लैक है, बहुत ही काली सा काला सा पाउडर जो है वो बन के तैयार हो गया है। इस काले पाउडर को अब हमने एक आयरन के बर्तन में शिफ्ट कर देना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी हम DIY बनाते हैं तो लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए। तो अब इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं एक लोहे का कटोरा इस्तेमाल में करूँगी। तो एक लोहे का कटोरा मैंने लेना है, उसके अंदर ये सारे पाउडर को मैंने शिफ्ट कर देना है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस रेमेडी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि बिल्कुल गाठे ना हो। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ एक चम्मच हिना पाउडर। हिना पाउडर डालिए, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएं। अभी हम इसे बालों में अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे पूरी रात इसी तरह से ढक कर रख देंगे ताकि सभी चीज़ों की आपस में गुडनेस मिल सके और जो आयरन के तत्व हैं वो भी इसके अंदर मिक्सअप हो सके। तो पूरी रात इसे ढका रहने दीजिए, सुबह उठ के इसे अपने बालों में अप्लाई कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इस रेमेडी का यूज़ करना ही करना है। अगर बालों को जड़ों से काला चाहते हैं इस्तेमाल में लीजिए, उसके बाद आपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है और देखेगा बाल, एक एक बाल खिल उठेगा, बालों में कितना अच्छा बाउंस आएगा, बाल कितने सूथ एंड सॉफ्ट लगेंगे। अगर आप चाहें तो उस दिन शैम्पू मत कीजिए, नेक्स्ट डे शैम्पू करें, जस्ट इस रेमेडी को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा ताकि कोई भी कण बालों में ना रहे। सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए, अगले दिन बालों में शैम्पू करेंगे तो बहुत ही परमानेंट और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इतना कर सकते हैं तो बेस्ट है, ज़रूर ट्राई करें। टीनेजर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीवन, आई होप आपको ये DIY जरूर पसंद आया होगा। अगर ये रेमेडी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बना के इस्तेमाल करके फिर आके नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, बालों के लिए बहुत हेल्दी है। बाल सफेद हैं या ना भी हैं तब भी ट्राई जरूर कीजिए, अपने बड़ों को और अपने टीनेजर को बना के जरूर दीजिए। एंड इसके रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में और अच्छे सी DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, take care, love y'all.